भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर बाजार में गुरुवार की शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बिना नंबर प्लेट की बाइक दिखने पर पुलिस ने बाइक सवारों से पूछताछ करने की कोशिश की। इसी बात से नाराज बाइक सवार युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार सभी युवक शराब के नशे में चूर थे और पुलिस कर्मियों के साथ बाइक सवार युवकों ने मारपीट की है। मामला संज्ञान में आने के बाद गोपीगंज पुलिस ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले 5 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गोपीगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्याम जी यादव गुरुवार की शाम कांस्टेबल विष्णु सिंह के साथ गोपीगंज थाना क्षेत्र के सीखापुर बाजार से होकर कसीधा पुलिस चौकी पर जा रहे थे। वह जैसे ही सीखापुर बाजार के पास पहुंचे तभी एक बिना नंबर प्लेट की बाइक दिखाई पड़ी। बताया जा रहा है कि सीखापुर बाजार में खड़ी बिना नंबर प्लेट की बाइक के बारे में उप निरीक्षक श्याम जी यादव ने बाइक सवार युवकों से पूछताछ करने की कोशिश की और बाइक का कागजात जब मांगा तो बाइक सवार सभी युवक आक्रोशित हो गए। शराब के नशे में चूर सभी बाइक सवार युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है और अभद्रता करते हुए गाली गलौज की है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों से मारपीट के मामले में गोपीगंज पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हरकत में आई गोपीगंज पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवशंकर सरोज पुत्र सर्वजीत सरोज, ओम प्रकाश सरोज पुत्र सर्वजीत सरोज, रमेश पासी पुत्र दूधनाथ पासी, विशाल सरोज पुत्र रमेश सरोज, ये सभी गोपीगंज थाना क्षेत्र के तुलापुर रोही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गोपीगंज थाने पर मुकदमा दर्ज करके चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है।